तो आइए बनाना शुरू करते हैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में गुलाब जामुन। तो इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम मावा, यानी कि कच्चा मावा जो दूध का होता है, उसको हमने ग्रेट कर लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 50 ग्राम पनीर। इससे एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर मिलता है। ये देखिए, इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मसलना है। हाथ के पिछले हिस्से से इसे आगे की तरफ ले जाएंगे और बिल्कुल इस तरह से मसलेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच मैदा, क्योंकि हमने 300 ग्राम मावा लिया था इसलिए हमने यहाँ पे 3 चम्मच मैदा डाला है। साथ ही इसमें जाएगा 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को मिला के हमें एक बहुत ही अच्छा सा डो लगाना है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हुए। इस डो को हम रख देंगे 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए। दूसरी तरफ हम बनाएंगे चाशनी, जिसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी और साथ में डालेंगे 2 कप पानी। एक्चुअली पानी 2 कप से थोड़ा कम ही रखिएगा तो चाशनी अच्छी बनेगी। जैसे ही चाशनी में उबाल आएगा हम इसमें डाल देंगे इलायची और फ्लेम को कर देंगे बंद, कोई तार नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हम करते हैं अपने छोटे छोटे बॉल्स को फ्राई। इनको फ्राई करने के लिए हमेशा लो फ्लेम रखिए और डायरेक्टली मत टच करिएगा जब तक कि कलर ना आ जाए, करना लो फ्लेम पे है। अब हम गरम गरम बॉल्स को डाल देंगे चाशनी के अंदर, थोड़ा सा हिलाए डुलाएंगे और सर्व करेंगे चांदी वर्क से सजा के।